15 अगस्त 1947 को भारत ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी प्राप्त की। इस दिन अंग्रेजों की लगभग 200 वर्ष की गुलामी को आखिरकार सारे भारतीयों ने एकजुट होकर समाप्त किया। कई स्वतंत्रता सेनानियों के कठिन संघर्ष और भारतीय जनता के सहयोग से अंग्रेजी साम्राज्य को हमारे विभिन्न आंदोलनों और अभियानों के सामने झुकना ही पड़ा। कई भारतवासियों के खून, पसीने और आंसुओं की कीमत पर ही हम इस ऐतिहासिक और गौरवान्वित पल तक पहुंच सके। स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा इस संघर्ष में साधारण जनता से कई लोग गुमनाम नायक बनकर उभरे। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपके सामने पेश है हमारी छोटी सी पेशकश, जिसमें बताया गया है कि आम जनता की आर्थिक एवं पारिवारिक समस्याओं के बावजूद उन्होंने किस प्रकार भारत की आज़ादी को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इन्हें देखो अभी भी काम में लगे हुए हैं। अरे हाँ भाई हाँ, किसी अंग्रेजी दफ्तर में बहुत बड़े अफसर जो बन चुके हैं। जहाँ वो अंग्रेज पूरे देश के भारतीयों को कष्ट दे रही है, उनके साथ क्रूरता से व्यवहार कर रही है, हमारे भाइयों को जान से मार रही है बेरहमी से, इन्हें इन जैसे लोगों को अभी भी उन दरिंदे अंग्रेजों के लिए काम करना है। छी, अरे विनोद, तुम्हें तो पता है घर में पैसों की कितनी जरूरत है, तो वक्त का खाना तक मिलना मुश्किल हो गया है, और पिछले हफ्ते तो पिताजी की तबीयत भी खराब चल रही है। इसी स्वदेशी कार्यालय में क्यों नहीं काम करते? अरे स्वदेशी कार्यालय में इतने पैसे मिलते ही कहाँ है। वाह, जहाँ गांधी जी, नेहरू जी, नेताजी समेत पूरी देश स्वदेशी सामानों और कार्यालयों को बढ़ावा दे रही है और अंग्रेजी सामानों को बहिष्कार किया जा रहा है, क्या तुम्हें अभी भी उनका साथ नहीं देना? क्या तुम्हें अपनी मातृभूमि के लिए इतनी सी भी प्रेम नहीं है? अरे तुम किसानों को देश की अर्थव्यवस्था के बारे में क्या मालूम? इन अंग्रेजी कंपनियों की वजह से ही तो देश चल रहा है। मैं मानता हूँ कि उनका तरीका थोड़ा निर्दयी है, लेकिन भारतीय प्रशासन के लिए अंग्रेज ही उपयुक्त है। प्रमोद, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हमें इस बात का गौरव जरूर है कि हमें अपनी देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देना सिखाया गया है। हमारी देश की आज़ादी हमारे लिए परम लक्ष्य है। जिस दिन ये देश माता को हम आज़ादी दिलाएंगे इन दुष्ट अंग्रेजों के चंगुल से, उसी दिन हमें परम सुख लाभ होगा। और रही बात अर्थव्यवस्था और प्रशासन की, तो हमारे देश में प्रतिभा की कमी थोड़े ही ना है, हम खुद हमारा देश चला सकते हैं। क्या तुम्हें पता है उन अंग्रेजों ने गांधी जी समेत सारे स्वाधीनता संग्रामियों को गिरफ्तार कर लिया है भारत छोड़ो आंदोलन के लिए, और उनके साथ देने वाले जनता के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, माँ बहनों को छेड़ा गया है, हमारे देशवासियों को मारा गया है, कूटा गया है, उनके घर लूटे गए हैं, उनकी दुकानें जला दी गई है, उनके घर जला दी गई है, उनकी बस्तियां उजाड़ दी गई है। क्या तुम्हें अपने देशवासियों के लिए इतनी सी भी हमदर्दी नहीं? जा रहे कल आंदोलन में, तुम देश का साथ नहीं दोगे? क्या सोच रहे हो प्रमोद, और क्या सोचना बाकी है? इतने सालों से हो रही जुल्म को क्या तुम्हें अभी भी सहना है? हमारे देश के नेताओं ने इतने प्रयास के बाद देशवासियों के दिल में देश प्रेम को सातवें आसमान तक पहुंचाया है। अभी हर एक देशवासी अपना जान देने तक के लिए तैयार है अपने देश के आजादी के लिए। तुम क्या अपने देश माता को आजाद करने के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए तुम इतना सोच रहे हो? पैसों का प्रबंध हम करेंगे, अपनी पूरी आय तुम्हारे लिए दे देंगे, अपनी जान दे देंगे, भूख से मर जाएंगे, पर इन अंग्रेजों के लिए और चमचागिरी नहीं करेंगे। इनके इशारों पे नाचना बंद करो, छीन लो आजादी इनके हाथों से और बोलो भारत माता की जय। प-
भारत माता की जय। सही बात की तुम दोनों ने, यह हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। अपने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देना अनिवार्य है। पैसों का प्रबंध तो कहीं से भी हो जाएगा, लेकिन अब अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए खड़े होने का समय आ गया है। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ए मेरे वतन के लोगों, at the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.